फ्रॉम द फॉलोइंग डायोड सर्किट विच डायोड इज इन फॉरवर्ड बायस कंडीशन। तो देखो, फॉरवर्ड बायस या रिवर्स बायस का कंडीशन एक ही होता है, अगर आपके पास एनोड वोल्टेज इज ग्रेटर दैन कैथोड वोल्टेज है तो इसका मीनिंग है वो फॉरवर्ड बायस होगा, एंड एनोड वोल्टेज इज लेस दैन कैथोड वोल्टेज है तो वो होगा रिवर्स बायस। ये आइडियल डायोड का लिए डिस्कशन हो रहा है, कुछ नहीं दिया मतलब आइडियल डायोड माना जाएगा। तो ऑप्शन ए देखो, अभी यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एनोड वोल्टेज एंड कैथोड वोल्टेज। ऑप्शन ए के लिए क्या दिया है, एनोड वोल्टेज जीरो है, कैथोड वोल्टेज माइनस टू है, मतलब जीरो इज़ ग्रेटर दैन माइनस टू, मतलब ये फॉरवर्ड बायस है। ऑप्शन बी के लिए देखो, जीरो एंड टू है, मतलब जीरो इज़ लेस दैन टू, तो ये क्या है, रिवर्स बायस है। बाद में सी ऑप्शन के लिए देखो, एनोड वोल्टेज माइनस फाइव है, कैथोड वोल्टेज माइनस टू है, तो माइनस फाइव इज लेस दैन माइनस टू, मतलब ये रिवर्स बायस है। ऑप्शन डी देखो, ये फाइव और ये क्या है, ट्वेल्व है, तो फाइव इज लेस दैन ट्वेल्व, मतलब ये रिवर्स बायस है। तो फॉरवर्ड बायस कौन सा है, सिर्फ एक ही कॉम्बिनेशन है, वो भी कौन सा है, ऑप्शन ए है। आगे समझ में, तो ऑप्शन ए इज़ अ करेक्ट वन।